महाराष्ट्र में आखिरकार शिवसेना और उद्धव ठाकरे का खेल खत्म हो गया। बीते दिनों लंबे सियासी ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले उद्धव ठाकरे सोशल मीडिया पर आकर इमोशनल कार्ड खेला और अपनी सरकार और अपनी उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही उन्होंने बागी विधायकों और इस कांड के सूत्रधार एकनाथ शिंदे पर भी करारा हमला बोला। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के साथ ही उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने भविष्य के बारे में भी लोगों को बता दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो उस राह पर जाना ही नहीं था, लेकिन मैं चला गया। शिंदे पर तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें सत्ता के पेड़े मुबारक हों, मुझे जनता का प्यार चाहिए। उद्धव ने कहा कि मैं नंबर गेम में नहीं जाता, हो सकता है कि जिन लोगों के पास बहुमत हो लेकिन वो कैसे जुटाया गया है ये भी देखना चाहिए। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर कहा कि मेरे पास शिवसेना है। वहीं उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए बयान से साफ लग रहा है कि एक बार फिर वो अपने पिता बाला साहेब ठाकरे के राह पर चलने वाले हैं। दरअसल 2019 में महाविकास अघाड़ी के सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे ने जब शपथ ली थी तो वो मातोश्री की परंपरा से अलग था। उससे पहले बाला साहेब ठाकरे करीब 5 दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के सिरमौर रहे, लेकिन कभी सीएम, केंद्रीय मंत्री या फिर सदन का सदस्य बनने से वो दूर ही रहे। वो सरकारों को आशीर्वाद देने की भूमिका में ही रहे और किसी भी सरकार की नाकामी अथवा सफलता की आँच उन तक नहीं पहुँची। शायद यही वजह थी कि ठाकरे परिवार हमेशा शिवसैनिकों के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा और कभी निजी आलोचना नहीं हुई। लेकिन उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में मातोश्री की परंपरा को तोड़ दिया और खुद मुख्यमंत्री बने और अपने बेटे को भी मंत्री बनाया। हालांकि सत्ता का स्वाद लेने के बाद माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर पिता की सीख पर चलते हुए सत्ता से दूर रहकर सियासत करेंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।